नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज 18 में और मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आज आजादी का 70वां गणतंत्र दिवस संपूर्ण देश तीन रंगों वाले झंडे के नीचे आजादी पर्व मना रहे हो, वहां दूल्हा दुल्हन कैसे पीछे रहे तो फिर शादी समारोह में ही झंडा वंदन कर मनाया 70वां गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 70वें गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय त्यौहार के उपलक्ष्य में दलोदा के एक निजी रिपोर्ट में चल रहे विवाह संस्कार में आए दूल्हा दुल्हन ने रिसोर्ट में ही झंडा वंदन कर राष्ट्रीय त्यौहार मनाया। साथ ही यहां पर मौजूद दूल्हा और दुल्हन पक्ष के अतिथियों ने झंडा वंदन कार्यक्रम में भाग लिया और सामूहिक राष्ट्रगान गाया। इस गणतंत्र के उपलक्ष्य में दूल्हा दुल्हन ने बताया कि हमारी शादी एक यादगार शादी हो रही है जो जीवन भर याद रहेगी। देखिए, राष्ट्रीय त्यौहार अपने लिए सभी भारतीयों के लिए काफ़ी गर्व का त्यौहार है और हमने शादी की रस्मों के साथ ही इस त्यौहार पर जो है इसे फ्लैग होस्टिंग करके काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और जो काम हम राष्ट्र की सीमा पे नहीं कर सकते हैं वो राष्ट्र के लिए प्रेम हम यहाँ दर्शा रहे हैं। मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई बट मुझे वो फीलिंग आज यहाँ पे पूरी महसूस हो गई है कि आज मुझे वही लगा कि आज मैं अपना स्कूल में ही खड़ी हूँ तो अच्छा हो रहा है। बट शादी की इतनी रस्मों के बीच में हमने बिजी शेड्यूल के बीच में हमने मॉर्निंग में टाइम निकाला सबने, क्योंकि हम एक भारतीय हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि आज 26 जनवरी। दालोदा से अजय शर्मा की रिपोर्ट।